हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खस शरबत की रेसिपी। इसके लिए गाइस मैंने खस सिरप ले लिया है। गाइस 1 स्पून चिया सीड्स ले लिए हैं, इन्हें सब्जा सीड्स भी कहते हैं। इनको मैं गर्म पानी में 2 से 3 घंटे के लिए सोक कर लूंगी। 2 से 3 घंटे बाद देखिए गाइस, ये इस तरीके के हो जाते हैं। लेमन जूस ले लेंगे, पाउडर शुगर। गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ग्लास लेंगे और खस सिरप डालेंगे, 2 स्पून एक ग्लास में डालेंगे। टू स्पून सब्जा सीड डालेंगे, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गर्मियों में हमारी बॉडी को ठंडक देते हैं। 1 स्पून लेमन जूस डालेंगे, 1 स्पून पाउडर शुगर डालेंगे, वाटर डालेंगे। गाइस ये ठंडा पानी लिया है हमने, हाफ ही गिलास भरेंगे, इसको मिक्स करेंगे। ये लेमन के स्लाइस डालेंगे, इससे ये बहुत अच्छा लगता है। आइस डालेंगे, मिक्स करेंगे। गाइस रेडी हो गया है खस शरबत, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, साथ ही बहुत ज़्यादा ठंडक देता है। गाइस खसखस हमारी बॉडी को ठंडक देती है, इसीलिए आपको गर्मियों में ये ज़रूर पीना चाहिए। गाइस रिफ्रेशिंग ड्रिंक है ये, आपको गर्मियों में ज़रूर पीनी चाहिए। कैसी लगी आपको खस शरबत की रेसिपी, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। आप अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर बनाएँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स डियर फ्रेंड्स।